तो गाइस मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले सुबह मैं पीती हूँ पानी। सर वाले बागेश्वर पहुंच गए, अल्मोड़ा वाले अल्मोड़ा पहुंच गए, पिथौरागढ़ वाले पिथौरागढ़ पहुंच गए, मुनस्यारी वाले मुनस्यारी पहुंच गए। तो सभी को मैं थोड़ा थोड़ा बन चुका है, ये है भटकी दाल और ये खाना ये खाते टाइम इधर आई ये जा रही है अभी कंप्यूटर। 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। बाय। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला और छोटी को ढेर सारा प्यार। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी मैं आ रही हूँ नहा के, ये कपड़े डालने हैं 2-4। गाइस आप देख सकते हैं इतनी नींद आ रही हो, अभी दोबारा सो गई उठ के। तो मैं छत में जाके नीचे आ गई हूँ, दीदी वहाँ ऐसे सोई है, उठ के एक बार दोबारा सो गई है। तो गाइस उठो साहब, साहब गुड मॉर्निंग। कुछ काम नहीं हुआ अभी से, सुबह 12 बजे तक सोई रही 11 से, और चाय पानी सब आते हुए मिल जाएगा। तो देखो आप सुबह उठ गए क्या क्या कहने में इधर से। तो गाइस इसने मतलब तो पता है इसने ना इस ब्लॉग को इतना बोरिंग कर दिया है, ऐसा कह रही है अब आ गई है धूप, अब आ गई है बारिश, अब आ गई है खुद ही बना लेना, ऐसा कह रही है। इतना बोरिंग हो गया थोड़ा यार, मतलब कैसे देखेंगे लोग। मैंने तो हाथ में कुछ नहीं धोया, जा तो फटाफट ब्लॉग। मैंने भी नहीं धोया है, डोंट वरी, थोड़ा पढ़ाई करती हूं। पढ़ाई ये पढ़ाई करेगी और मैं क्या करूंगी। देख रहे हो आप, देख रहे हो, देख रहे हो ये क्या कह रही है। टेबल ऊपर पे रख दे, बल पढ़ने वाला हद तो होती है ना, खुद रख अपना काम खुद करो। ये कुछ नहीं, कोई एक ही लाने की फिर भी हम। तो गाइस मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले सुबह मैं पीती हूँ पानी। इस कप में एक चम्मच मैं पानी पीती हूँ सुबह उठ के। अभी क्या कर रही है? अगर नाश्ता बनने की तैयारी हो रही है। तो अब धूप भी खिलने लगी है, अभी बाहर जाके आपको मौसम दिखाया जाएगा। और ये आटा गूंथ रही है, क्या बन रहा है? रोटी, आलू के पराठे? आलू के पराठे बना रही हूं। देखते हैं क्या बनाती है ये और आपको भी दिखाते हैं, ठीक है? मैं बनाती हूं ना, किसी को नहीं बताती क्या बना रही हूं करके। तो खाना बन चुका है, अभी मैं नहा के आई हूँ, 10 बज चुका है। तो मैंने सोचा नहा लेती हूँ, थोड़ा कपड़े पे धो लेती हूँ तभी। और आज का ब्लॉग सोनू ने स्टार्ट करा, आपने देखा होगा। और मौसम देखो काफ़ी परिवर्तित होता जा रहा है, सुबह कैसा मौसम था आपने देखा, और अभी का मौसम देखो धूप आ रही है, और कभी इतनी मतलब तेज़ धूप लग रही है कि धूप में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, और कभी मौसम कुछ इस तरह से हो जा रहा है। तो काफ़ी परिवर्तित मौसम आजकल हो रहा है। बाय गॉड मैं भी ऐसी हूँ ना, मतलब मैंने 1-1.5 मिनट बोला और वीडियो ऑन ही नहीं करा था, बड़ी बेइज्जती होगी मेरी खुद के ही सामने। देखो ये वो सोनू को बुलाया था मैंने, कहा 1-2 रील बना देगी करके, वो नीचे ही है पता नहीं फ़ोन पे चिपकी पड़ी होगी। कि जो हमारे मित्रगण थे जो इधर उधर से आए थे कोर्स के लिए, वो सारे लोग चले गए हैं बागेश्वर वाले बागेश्वर पहुँच गए, अल्मोड़ा वाले अल्मोड़ा पहुँच गए, पिथौरागढ़ वाले पिथौरागढ़ पहुँच गए, मुनस्यारी वाले मुनस्यारी पहुँच गए। तो सभी को मैं थोड़ा थोड़ा मिस भी कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं जैसी थी वैसी होगी, क्योंकि पहले मैं ऐसी थी अकेली थी यहाँ, फिर लोग आए दोस्त बने इतने सारे लोग, फिर अब वो लोग चले गए तो थोड़ा बहुत रहता ही है। तो यही चीज़ें हैं। और तो आप लोग बने रहो, आपको दिखाएंगे हम अपनी अपनी दैनिकचर्या कि हम क्या क्या करते हैं दिन भर में। आज से मेरी बनेंगे डेली ब्लॉग, क्योंकि आज तक पेपर थे, बहुत सारी चीज़ें थी, मैं अपने ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब वो दिन गए। तो मैं सोच रही हूँ आज से मैं डेली ब्लॉग बनाऊँगी, जो भी होगा जैसा भी होगा मेरे मेरे जीवन में, मैं आपके समक्ष लाऊंगी उन चीज़ों को, और क्या नया रहता है और क्या बदलाव रहता है वो भी दिखाऊंगी, ठीक है? आज ही वीडियो देख रही थी एक बहुत अच्छी आ गई हे प्रभु। तो मैं इसको कह रही हूँ 1-2 रील बना दे करके, तो आप लोग बने रहो और 1-2 रील बनाती हूँ। बेटा अपना तो तैयार हो के आइए, मैंने मुंह भी नहीं धोया इधर पे।
अब हम जाते हैं रूम में, खाना ना बनाते हैं और बाकी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर बाद। आ गई हूँ रूम में और अब हमारा बन रहा है खाना दिन का। सोनू क्या बना रही है? जो भटकी दाल बना रही हूँ। तो आज हमारी बन रही है भटकी दाल। गाइस ये कुछ काम नहीं करती, बहुत काम चोर है। अभी मैं दाल रख के आई हूँ। दाल रख के आई हूँ। दाल क्या बा? सोनू बना रही खाना जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और लाइट है नहीं है अभी, वो आया ग्रुप पे मैसेज। हाँ तो लाइट है ही, मतलब अंधेरा हो रहा है थोड़ा ब्लॉगिंग के लिए अंदर। तो अब मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ और बाकी क्या है, आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, देखते हैं सोनू कैसा खाना बनाती है। ये बोल दे जरा, रोज ही खाती क्या कह रही है? रोज ही खाती है मेरी आची, कैसा खाना बनाती है बोला। बोल दे जरा क्या तो रोज के हाथों का स्वाद ना अलग अलग रहता है। तो अब देखते हैं आज का। नहीं इसने मेरे से कुछ कहा भी बुलडेजर ऐसे खड़ी है बिल्कुल। अरे स्टाइल है अपनाओ। तो आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। खाना बन चुका है, ये है भटकी दाल और ये खाना। ये खाते टाइम इधर आई, अभी तक सोई थी, ये खाना बन गया। खा रही थी, जल्दी उठी है, मतलब ना भूख से हालत खराब है इसकी। तो काफी मजा आने वाला है खाने में क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी है और खाना भी मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। और इसमें है घर का पिसा हुआ नमक, ये मैं हमेशा खाने के साथ खाती हूँ क्योंकि काफी अच्छा टेस्ट आता है। ये लहसुन और हरी मिर्च का नमक बनाया है, दो ही भाई लाया था घर से, काफी अच्छा हुआ है। तो मुझे काफी भूख लगी है, हम लोग खाते हैं, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या बन गया? ये गया पानी लग गया ज्यादा इसमें तो भी। हे भगवान, सो गाइस ये चावल ना खीर बन चुकी है। आँखें क्यों नहीं खोल रही है अभी? तो हम खीर और दाल खाते हैं, भटकी दाल। क्या आपने कभी खीर और भटकी दाल खाई है? तो हमने खा लिया खाना। सोनू जा रही है, कैसी लग रही है? ये जा रही है अभी कंप्यूटर, दो ढाई बजे का टाइम हो रहा है। बाय, बने एक दो बार ब्लॉग्स के साथ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर देती हूँ, सोच रही हूँ कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे ले लूँ ले ले। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त कर देते हैं, छोटा सा ब्लॉग था, डेली ब्लॉग बनाते रहूँगी आज से। तो अब हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप लोग सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे ब्लॉग देखने में और ज़्यादा इस तरह हो। बाय।